पी मलिक म्यूजिक की नई प्रस्तुति पी मलिक। अगर मर्यादा नहीं बांधी होती ऐसी कि एक छत्री को एक औरत पर हाथ उठाना अधर्म है, अगर ये मर्यादा मेरे सामने नहीं खड़ी होती तो मैं तेरे सर को कलम कर देता। सर कलम कर दीजिए, लेकिन आखिर एक बार मुझे ये तो बता दीजिए कि आखिर मेरा गुनाह क्या है, मैंने क्या कसूर किया है। सरकार नोए बराबर खेल नहीं जार ना वजीर नहीं बदकार ना होते, विश्वास ही नहीं, तुझसे हाथ जोड़ करके माफी भी मांगता हूं।
ए रानी, पतिदेव रानी, आप कहते हो ये पांच अंगुली बराबर नहीं होती है, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं एक ही पति की दास हूँ। लोगो, सुनने वाले लोग बैठे हैं, एक टीवी पर प्रोग्राम आता है अनछुए अनछुए अनछुई कहावत, बहुत सी अनछुए पहलू, बहुत से प्रमाण ऐसे जिनको छुआ ही नहीं। ए रानी, तुझे बदला दूंगा, इस बात का दंड तुझे मैं दूंगा। क्या बात है पतिदेव, मैंने अगर गुनाह किया है तो आप मुझे बेशक दंड दे। दंड दूंगा रानी, लेकिन अब नहीं। ए मेहरबानों, एक समय की बात, शेष नाग भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश चले गए और उनके मित्र वासिक नाग उनके महल में आ गए और वासिक नाग और शेष नाग की औरत का दोनों की आंखें लड़ जाती हैं और दोनों हम बिस्तर हो जाते हैं। सुन के लोगो, ऐसा प्रमाण अनछुए पहलू है। शेष नाग की औरत और वासिक नाग दोनों हम बिस्तर हो जाते हैं। इधर करकोटक नाग भी शेष नाग के बड़े अच्छे भक्त और मित्र थे, उन्हें सोचा आज शेष नाग से मिलना चाहिए। सूक्ष्म रूप धारण करके, राठी साहब सुने, सूक्ष्म रूप धारण करके शेष नाग के महल में घुस जाते हैं। लेकिन जब जाकर के देखते तो क्या, शेष नाग की रानी वासिक नाग के साथ में हम बिस्तर हो रही है। लोगो, रोता हुआ महल से बाहर निकल जाता है, अपने महल में पहुंच जाता है, छा करके बिस्तर पर लेट करके गिर जाता है, ना खाना खाता है ना पानी पीता है, रोने लग जाता है। शेष नाग की रानी को इस बात का पता लग गया था कि तुझे देख के चला गया करकोटक नाग। रानी, पता है क्या? करकोटक नाग की रानी ने पूछा, ए महाराज, रोने का कारण क्या है? कहने लगा, देवी, आज मेरे भाई, मेरे प्रहता, मेरे भगवान शेष नाग की रानी वार्षिक नाग के साथ में हम बिस्तर देखी, रो रहा था। महाराज, कोई बात नहीं। इधर शेष नाग कैलाश से वापिस आए, शेष नाग की रानी ने आते ही त्रिया चरित्र पुरुषस्य भागम विधि ना जाने मनुष्य कुतो। हमारे ब्राह्मणों ने कहा है एक सूक्त में, त्रिया चरित्र पुरुषस्य भागम विधि ना जाने मनुष्य कुतो। मनुष्य की तो औकात क्या है, त्रिया के चरित्र को और पुरुष के भाग को तो परमात्मा भी नहीं जानता। शेषनाग की ओर शेषनाग में ही आते ही त्रिया चरित्र खिंडा देती है और रोने लग जाती है कि महाराज, आपका भाई, आपका मित्र करकोटक नाग आया और मुझसे बदतमीजी करने लगा, मेरा शील हरण करने लगा। और बगैर सोचे समझे उस शेषनाग ने तलवार उठाई और करकोटक को मारने के लिए चला गया। लेकिन शेष नाग ने भी ये सोचा, इसके महल में सूक्ष्म रूप धारण करके मुझे जाना चाहिए, और अपना सूक्ष्म रूप धारण कर शेष नाग के महल में घुसा, करकोटक नाग के महल में घुसा। क्या देखता है, करकोटक नाग रो रहा था, रानी पास खड़ी थी। करकोटक नाग अपने मुख से कह रहा था, रानी, आज मैंने शेष नाग की, मेरी उस मैया को, शेष नाग की रानी को, आज मैंने वासिक नाग के साथ हम बिस्तर देखा है, मैं खाना खाऊं तो बिस्तर खाऊं। रानी, शेष नाग ने जब ये सुना तो आंसू पड़ जाते, ए परमात्मा, मेरी रानी के कहने से आज मैं अपने पुत्र जैसे मेरे भक्त इस करकोटक का सर तार देता, मेरे साथ में बड़ा बुरा हो जाता, वापिस चल देता है, कुछ रानी का सर काटूंगा। लेकिन उस रानी को पता लग गया, पति शेष नाग को सब बातों का पता लग चुका है, महल से गिर करके अपने प्राण दे देती है। लेकिन जब शेष नाग पहुंचता है, उसके श्वास चालू थे थोड़े थोड़े, हाथ पकड़ के शेष नाग अपनी रानी से कह रहा था, ए रानी, अब तो तेरा जीव उस परमात्मा में विलीन होने को है, इस भ्रष्ट खोड़ को छोड़ करके तेरा जीव जाने वाला है, अब तो पवित्र हो चुकी है, लेकिन जा, तुझे अगले जन्म में दंड फिर दूंगा। और अगले जन्म में शेष नाग की रानी रावण की बहन सुरफन का बनी।
और शेष नाग लक्ष्मण बन के नाक कान काट लिए। रानी तेरे नाक और कान काटूंगा, ये मेरे वचन है, ये मेरे वचन है। मेरा सर कलम कर दीजिए, लेकिन मैंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया। मैं चलता हूँ। आप जा रहे हो क्या? मैं आपकी पति हूँ, पत्नी हूँ, आधे अंग की हरदांगनी हूँ। क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि मैं आपसे जाते जाते दो बात कर लूँ? पति देव, सत्य है, जब मुझे मृत्यु दंड मिला, एक बादशाह ने मुझे अंतिम अंतिम इच्छा पूर्ण करने के लिए मेरी मातृभूमि के दर्शन करने भेज दिया। क्या एक क्षत्रिय का दायित्व नहीं है क्या? प्लीज पापी, इस दुष्ट रानी को एक मौका दो, ये कुछ कहना चाहती, इसकी सुन के जाऊंगा। कहो रानी, क्या कहना चाहती? मैं चलता हूं, मुझे माफ कर देना। सुनो सांग, मेरे बेटे राजेश तूफान, ओ सच बता बरता आज क्यों मन मेरे ते फट गया? अरे खप्पर भरन नहीं भरन रान तेरे बलाम से रखा और नहीं गया रे तेरे साथ है।
होगा, बहुत से चोर ऐसे देखे होंगे तुमने, रंगे हाथ पकड़ो जाते हैं, गांव के बीच में पेड़ को बंद कर छोटे मारे जा और फिर ले जाकर थाने में बंद करवा दे। परीक्षा बेटी 14 से एक बार निकल जा, हाँ कौन नहीं करते दादा गुरु जी, हाँ कौन नहीं करते, इसे चोरी सी चोर से हो नहीं पति देव क्या कहा तूने रानी करके खोटा
मालिक लगाने वाली देवी तू अब मुझे माफ कर देना, अगर मैंने गुस्से में तुम्हें कुछ कह दिया हो। रानी मेरी मृत्यु का टाइम है ओ देवी, अगर मैंने कुछ ओछा बंदा कह दिया मुझे माफ कर देना। इतना अगर झूठा दोष लगाओगे मेरे ऊपर तो भी मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी, मैं एक पतिव्रता स्त्री। क्या कह रही थी लोगों नंबर चार में? झूठा दोष फांसी टूटेगा। गुरु चंद्रलाल आ लवे बम के गाके गीत निमट गया, अब मिलू नहीं किसी जन्म ईशा में दूर तेरे थे हट गया। ठीक है पतिदेव, अगर आपकी यही मंजूरी है, आपके दिल में यही भा रही है तो बेशक आप जाइए, आप जाइए। मेरा पति तो धर्म, मैं मेरे धर्म पे अटल हूँ, मैं सती हूँ, तो जाइए आपको कुछ नहीं होगा। सती जाती हुई को जाते हुए को कह रही थी, ए महाराज अगर मैं पतिव्रता हूं और सती हूं तो जाइए, आपको फांसी नहीं होगी। रानी महाराज आप जाइए बेशक। और रानी मेरी राम राम ही रानी को छोड़ करके छतरी चल देता है। इधर दरबार में वो शेर खान खुशी मना रहा है, खुशी बादशाह सबस। हाँ बहादुर बुद्ध सिंह, जितेंद्र एडवोकेट गुमर से 500 रुपए प्रेमी आशीर्वाद देते, धन्यवाद। देखे जय शंकर, पार्थ सिंह नहीं आया, अब नहीं आया, नहीं आया है, दौर हो चुके हैं। कर ले ले खसले यो पृथ्वी सिंह आ गया, जरा नजर उठा के दे। अरे शेर खान देखो, बहादुर पृथ्वी सिंह समय पर आ चुके हैं और मुझे विश्वास था कि बहादुर पृथ्वी सिंह जरूर आएगा, जरूर आएगा। हाँ अच्छा तो फांसी, अच्छा सलामत, मेरी फांसी की तैयारी कीजिए। आज नहीं, अरे शेर खान मुनादी करा दो शहर में, आज नहीं कल नहीं परसों। हाँ परसों दोपहर 12 बजे 12 बजे हाँ मुनादी करवा दो। सुनिए साहिबा भाई, पार्थ सिंह
फांसी का उपयोग टूटेगा। परसों 12 बजे सभी एक करते तो हो। हाँ। और ये बहादुर पृथ्वी सिंह सच्चा है मेरे मेहरबान, और मुनादी हो जाती है, पूरा दरबार पूरा शहर इकट्ठा हो जाता है। इधर परसों का यानी कि 2 दिन का अंतराल देकर के 12 बजे का टाइम रख दिया जाता है। मेरे मेहरबानों, इधर एक कबूतरी नटों की टोली बूंदी गढ़ के नीचे से निकलती है। रानी सुनिए, अरे शकुंतला रानी, रानी किरण मही अपने महल पर खड़ी है, अपने पति को जाते हुए को देख रही थी और वहीं पर खड़ी रह जाती है। दिन चल जाता है। अरे आपने बुनादी सुनी है, मनादी बुनादी सुनी है, देखिए बनादी हो रही है शहर में। आज बहादुर शेर खान की जीत और पृथ्वी सिंह की हार। देखिए हमारे पास पान छाली तम्बाकू कत्था भी समझ गया है, खत्म हो चुका है, और मुजरा हमारा गाना बजाना भी बंद हो गया है। जी हाँ, चलना चाहिए आज। चलिए खुशी में नाचेंगी गाएगी नाम लेकर आएगी। चलो चलो। ओह भगवान, ये इतनी सुंदर बहन तैयार होकर आज कहाँ की तैयारी करी, इनसे बात करनी चाहिए। देखिए बहन, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। नमस्कार, नमस्कार तो हम ही करते हैं आपको। और आपसे ये पूछना चाहती हूँ, बोलो आज आप ये हार श्रृंगार कर कहाँ जा रही हो बहन? देखिए कबूतरी नटियों की पार्टी। अच्छा, और आज हमें आगरा दरबार में जाना है। किस लिए? वो बहादुर शेर खान की जीत है और राणा पृथ्वी सिंह की हार है। भगवान, क्या मेरे मालिक साथ देना मुझे। अरे अरे क्या बात बहन, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए बहन। आप पे कुछ गाना बजाना आता है? आपसे सीख लूंगी, कुछ मुझे आता है कुछ सीख लूंगी। ठीक है, ऐसा मत कीजिए बहन, ले ऐसा नहीं। ठहरो, देखिए आपको हमारे पास बल्ली उठाना पड़ेगा। हाँ, उठा लूंगी। लेकिन आपके चेहरे से तो ये दिखता है कि बहुत बड़े घर की लड़की है। और क्या है, कोई रानी नजर आती है ये? हाँ हाँ, चलो कोई नहीं, हमें क्या है, पकड़ पे दे दे, पकड़ एक बीच में से पकड़िए। अच्छा, लोगों चल देती है दरबार की मां से उठा के। सुनिए लोगों, ये जहां जो भी संगीत के प्रेमी बैठे हैं, संगीत प्रेमी, सुनिए उनके लिए शाबाश, क्या गुरुजी ने क्या कह दिया, सुनिए। पासे उठा के बड़ी रानी नटने पिया के फिकर में भटकती चले, गोरा बदन और कमर कैसी बदली, नाकन से छोटी लटकती चले।
देखिए ये आगरा दरबार आ चुका है, शहंशाह कौन मिलेंगे अपन को? वही मिलेंगे, शेर खान भी मिलेगा, शहंशाह अकबर और बहादुर पृथ्वी सिंह ठाकुर भी वही मिलेंगे। अरे शेर खान बहादुर, सबके दर्शन होंगे, आज जश्न मनाया जा रहा है। ये बनारस शहर से नटों की टोली आई है आपकी खुशी में। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कौन है? कबूतरी नटनी। नटनी? हाँ आप? नटनी? आप? नटनी नटनी। अरे कोई हाँ बोलने? अरे किस चीज की भाई? नाचना गाना की। हाँ वो तो हमारा, उसी के लिए हम आपके दरबार में आई हैं। वही काम है हमारा। बस सलामत, ये नाचना गाने वाली नटनी आई हुई है। लोगो अपना एड्रेस बता, नटनी एड्रेस बता दी है। और गुरुजी ने कैसे सुंदर अक्षरों में अपना ये गाना यहाँ पर, बड़े पुराने पुराने हमारे मासी जी पाले राम, हमारे दादा श्री रणवीर जी, देखिए ये पुराने रंग है हमारे गुरुजी के। और हमारे गुरुजी के सांग में कोई न्यू कहना भाई फरमा इसी गाना कोई फिल्म सुनाओ, वो तो बेवकूफ आदमी है समझो, क्योंकि उसने तो सारे सांग में। अब देखिए अभी हम बॉम्बे गए थे, फूलों की रानी सुनी थी, अब और सुनिए क्या बॉम्बे, चलो चलो हो रानी किरण वही हो, लेकिन ये तो घूंघट कर देती है, अपना मुख नहीं दिखाती। नंबर दो शाबाश। अरे लो सात पांच के साथ कदर थी लोगों के लिए मैं ले ली मैं झोपड़ी में बसा तारा आनंद में हवेली में मेरा झोपड़ी में बसा तेरे आनंद में हवेली मेरा झोपड़ी में बसा तेरे आनंद में हवेली Yeah.
धन्य है ए परमात्मा, धन्य है, धन्य हो नटनी जी। हम बादशाह तो नहीं हैं जी, लेकिन बादशाह के इतने लाडले बेटे की तरह हैं जी। वैसे हमारी मृत्यु भी कल है देवी, हम जो भी तुम मांगोगी बादशाह की तरफ से हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं, चाहे कुछ भी मांग सकते। अच्छा, आप हमें इनाम देना चाहते हैं? हाँ देवी। तो पहले वचन दीजिए महाराज, वचनों के बगैर तो मैं खाना पीना भी नहीं करती। वचन, वचन लो, तुम्हें तीन वचन देते हैं हम, रोचक भयानक यथार्थ, जो कुछ मांगोगी वही दूंगा। महाराज कहो, क्या मैं आपको बताऊं, जो मैं भी आपसे मांगूंगी वो मुझे मिलेगा? वो जो तुम मांगोगी वही मिलेगा, ये शहंशाह शाहजहान का दरबार है। क्या मेरे ऊपर जोर जुलम नहीं होगा? कोई जोर जुलम नहीं है राजा, कैसा अंधेरा घोर है। शाबाश, शाबाश, तो कोई बात नहीं, फिर अब कर लो। बजाओ जी, बजाओ। ओ तेरा छाया अंधेरा, शाबाश, गोरी है ओ तेरी नगरी में मेरा चोर है। अरे रे राजा, छाया अंधेरा गोर है, कठोर है।
नटनी। हाँ महाराज, अगर आप इनाम देना चाहते हो तो महाराज आपके जो भरी दरबार है, भरी महफिल है, इसको सील कर दीजिए, नहीं तो बाहर का आदमी अंदर आ सके और अंदर का आदमी बाहर जा सके। इस दरबार में खड़ा होकर के मैं ये ऐलान करता हूँ कि ना कोई अंदर से बाहर जाएगा, ना कोई बाहर से अंदर जाएगा। और देवी, यहाँ गेट पर मैं खड़ा हूँ, चाहिए जी मैं पेशाब करें। हे बेशरम, बैठ जाओ। नटनी महाराज बोलो, क्या मैं मेरा नाम बता, गांव को जो बता दिया मैंने, और मैं मेरी शर्त आपके सामने पेश करती हूँ, जो भी मैं आपसे मांगती हूँ क्या मुझे वो मिलेगा? वो ही मिलेगा जो तुम मुख से कह दोगी, चाहे शहंशाह शाहजहां का दरबार मांग ले, ताज मांग ले। मुझे इंसाफ भी मिलेगा? इंसाफ मिलेगा, मेरे ऊपर कोई जोर जुलम नहीं, कोई जुलम नहीं, तुम पे जुलम आएगा, पृथ्वी सिंह की तलवार के सामने पहले आएगा। महाराज सच किसी ने कहा है कि जीत समझने में कब किसकी होती है हान, जीत समझने में कब किसकी होती है हान, इस भरी महफिल में, इस भरी महफिल में ना वो चोर है ना ये चोर है, चोर है मेरा सिर्फ शेर खान। क्या मैं तू 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 शेर खान, खड़े हो जाओ नटनी। हाँ महाराज, ये तुम्हारा चोर है जिसने मुझे बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा, इसने मुझे घर से बेघर कर दिया। क्या किया तुम्हारे साथ? महाराज ये हमारी सरखियों के अंदर गया और इसने मेरे साथ में एक साथ चाय पी है, शराब पी है महाराज। शराब पी है? हाँ महाराज, ये हमारे दीन के अंदर कोई शराब नहीं है। शेर खान झूठ बोल रहे महाराज। नटनी और क्या महाराज, चलते चलते वक्त महाराज ये मेरे 10,000 रुपए भी चुरा कर भग गया महाराज। नटनी मांगने खाने वाली जात के पास में 10,000 रुपए का साथ है। महाराज मैंने आपके दरबार के अंदर मुजरा किया है, अगर मैं इस बात के बदले आपसे 1,00,000 रुपए मांग लेते क्या आप मुझे नहीं देते? देते लोगो। एक वास्तविक बात बताता हूँ, हमारे राजस्थान के सीएम हुआ करते थे मोहनलाल सुखाड़िया, उनके ऊपर आमदनी से ज्यादा पैसा मिला था, भारत का सबसे पहला केस था वो, इतना भारी धन मिला था। कोर्ट में जब उनको ले गए उन्होंने क्या बयान दिया पता है, कि मेरी माँ उदयपुर के राणाओं के दरबार में नृत्य किया करती थी और राजाओं के नृत्य करने वालों के पास पैसों की कमी नहीं होती है। महाराज इसी तरह मैंने दूसरे दरबार के अंदर नृत्य किया था और वहां से मैं 20,000 रुपए लाए थे महाराज। शेर खान ये मेरे 10,000 रुपए चुरा लिए महाराज, सत्य पेश करो। ये झूठ बोल रही है, कोई नेम धर्म तो होगा, त्रिया चरित्र पुरुष संभागम, त्रिया के चरित्र का और है, अल्लाह की कसम मैंने आज तक इस औरत की शक्ल नहीं देखी। महाराज नटनी क्या ये सत्य कहता है? सत्य कहता है जब अल्लाह की कसम खा रहा है, तो इस क्या ये सच कहता है? इसका फैसला तुम बताओ मैं कैसे करूं। महाराज कहो, क्या इसने मेरी शक्ल कभी नहीं देखी? क्या इस नटनी की शक्ल नहीं देखी? शायर मैंने इस नटनी की शक्ल तक नहीं देखे। देखे कभी आपने कहीं मेले में, कहीं शादी में, कहीं विवाह में, कहीं सपने में? सपने में देखे अल्लाह की कसम, मेरे तो सपना भी नहीं आता कभी, नहीं आता। झूठा दोष लगावे नटनी, बुरा पठान नहीं से, आज तलक दे गरीबों का मन रूपया मां नहीं से, और सपने में भी बापन तेरी देखी शान नहीं है। ये बात सत्य है आपकी, अगर नहीं देखी है तो महाराज क्या मैं आपसे कुछ बात पूछ सकती हूँ? बोलो, ये शेर खाने किस मजहब से है? ये मुसलमान धर्म से है। मुसलमान धर्म सबसे बड़ी किस चीज को मानते हैं? मक्का मदीना को अपना सबसे अपने सबसे। और हिंदू धर्म वाले किस चीज को मानते हैं? गंगा मैया को। ये शेर खान है, इसके हाथ के ऊपर कुरान शरीफ रखवाइए और 5 कदम मक्का मदीना की तरफ भरवाइए, शेर खान के मुंह से यह कहवाइए कि आज से पहले इस नटनी का चेहरा, महल, मुकाम कुछ नहीं देखा, मैं मान जाऊंगी और आप मुझे चाहे 2 दंड देना। नटनी सज्जन आदमी के लिए न कुरान उठाना अच्छा है, न धर्म पीपड़ा पढ़ना अच्छा है, न रामायण गीता उठाना अच्छा है। सज्जन आदमी कितनी गौशालाएं, कितनी प्याऊं, कितनी धर्म, तो उठाइए फिर कुरान उठाइए। अगर तुम सज्जन हो, ये दरबार है, यहाँ पर फैसला इसी बात पर होगा जो नटनी ने कहा। लो ये कुरान हाथ में लो और 5 कदम मक्का मदीना की तरफ उठाओ और कहो कि मैंने इसकी कभी शान नहीं देखी। ये नटनी तो मेरा फजीता कर दिया। लो
इस महीने में कुरान का हाथ नहीं लगा रहा लगाते तो मेरे को यह बताओ मक्का किधर है? तुझे नहीं पता? मेरे को तो अरे मुसलमान तू है कि मैं हूँ? मुसलमान जरूर हूँ, पहले के मैं तो फ्लाइट से जाता हूँ, हवाई जहाज दिशा दिशा मेरे धाने देते। अरे शेर खान, सूर्य भगवान अस्त किधर होते हैं? ये दिशा रही, देखो यहाँ मक्का मदीना। लाठी साहब गैल छुटा होता मेरी, ये देखो ये है मक्का मदीना, लो कुरान हाथ में लो, शाबाश। या लाए नाचना गाना नहीं करवाता तो ऐसा मेरा फजीता नहीं होता, शाबाश। हेलो हेलो पृथ्वी सिंह की भीड़, मैं सु पृथ्वी सिंह की भीड़।
अखीर ओ चंदर फैसला अखीर तू जीती मैं हारा बेशरम अरे आदम से हो ए बेशरम अरे 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 दरबार के बीच में शर्म नहीं आती आपको बेअदब होता है बेशरम तुझे शर्म नहीं आती अरे इसे तोड़ दो फांसी फांसी मत तोड़ो इब तो लीकड़ा ही तोड़ दो शेर खान ओ देवी जी मुझे माफ कर दे बैठ जाओ शाबाश लगो अंतिम प्रस्तुति आपके सामने दादा लक्ष्मी चंद का एक ही एक रागनी फरमाइश है फरमाइश भाई फरमाइश है हाँ इस रागनी की देखिए मैंने शकल नहीं देखी मैं सच्चा आदमी कुरान गलत नहीं उठा लोगो शेर खान उसे भाभी बड़ी भाभी को माँ समान कहते हैं माँ कह करके माफी मांगता है और उसे माफ कर देते हैं हिंदू का यही धर्म होता है माफी करना ही छत्री का धर्म होता है हिंदू दयावान होता है बैठिए शाबाश भैया तो मेरी माँ कोई बात नहीं बेटे ऐसा काम फिर ना करिए मत करना ऐसा काम जा छोड़ दे तेरे को शाबाश छोड़ दिया बैठ जाओ जाइए चलो माफ कर दिया आपको ओ देवी ओ रानी मुझे माफ कर दे देवी देवी मुझे माफ कर दे शाबाश कैलाश बता दिया करो भाई रानी मुझे माफ कर दे देवी अरे दादा मेरी दयित है ओ बरो डाटर छत्र की है।